हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज के इस वीडियो में जो है हम हमारी मशीन लर्निंग टेक्निक्स की फोर्थ यूनिट को क्लोज कर देंगे, यानी कि हमारा पूरी मशीन लर्निंग टेक्निक्स की फोर्थ यूनिट जो थी हमारी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क और डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट में, उसको जो हम यहाँ पे आज क्लोज करने वाले हैं। हमारी लास्ट वीडियोज़ में, हमारी प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर हमने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की पूरी फंक्शनैलिटीज़, किस तरीके से आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क काम करता है, क्या क्या उसकी एप्लीकेशंस है, वो सभी हमने समझी थी। अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पे नहीं देखी है तो ऊपर मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप प्लीज उस वीडियो को जाके देखिए ताकि आपको न्यूरल नेटवर्क का कॉन्सेप्ट जो है कंप्लीटली समझ में आए। और आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं, बट उससे पहले मैं आपको एक बार आज की वीडियो का एजेंडा बता देता हूं, जिससे आपको समझ में आ जाए कि इस वीडियो के अंदर आप क्या क्या सीखने वाले हैं, क्या क्या समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डीप लर्निंग का इंट्रोडक्शन समझेंगे कि बेसिकली डीप लर्निंग होती क्या है। जैसे हम डीप लर्निंग का बेसिक समझ जाएंगे, उसकी ओवरऑल फंक्शनैलिटीज की, वो किस तरीके से काम करती है, होती क्या है, वो हम समझ जाएंगे, देन हम मूव करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ CNN। अब CNN क्या होता है? CNN होता है हमारा कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, जो कि डीप लर्निंग की एक एल्गोरिदम है। अब जब आपने डीप लर्निंग को समझ लिया, उसकी एल्गोरिदम के कॉन्सेप्ट को समझ लिया, तब हम मूव ऑन करेंगे टाइप ऑफ लेयर्स में, कि बेसिकली एक्चुअल में तो हमने मशीन को ट्रेन किया, हमें आउटपुट मिल गया, बट बिहाइंड द सीन कौन कौन सी ऐसी लेयर्स है जो कि CNN के मॉडल को ट्रेन करती है और उससे आउटपुट रिट्रीव करके हमें देती है। तो उसके लिए बहुत सारी लेयर्स होती हैं, और CNN यानी कि डीप लर्निंग के अंदर जो है हमारी मेजरली चार लेयर होती हैं, उसको जो है हम आज की इस वीडियो में समझेंगे और उसको पूरा ब्रेक डाउन करेंगे कि कौन सी लेयर किस तरीके से काम करती है। देन दो डिफरेंट CNN नेटवर्क, 1D और 2D CNN नेटवर्क के बारे में समझेंगे, उनको डिफरेंशिएट करेंगे और समझेंगे कि कहां पे हमें कौन से नेटवर्क का यूज करना है एज पर द डेटा सेट। देन हम मूव ऑन करेंगे ट्रेनिंग ऑफ CNN की, किस तरीके से हमारे CNN कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन किया जाता है। एंड देन फाइनली जब हमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, सारी एप्लीकेशंस क्लियर हो जाएंगी, देन हम केस स्टडी की तरफ मूव करेंगे, यानी कि उसकी एप्लीकेशंस की तरफ मूव करेंगे, जो कि हमारी डायबिटिक रेटिनोपैथी, देन स्मार्ट स्पीकर एंड देन सेल्फ ड्राइविंग कार, की इन तीनों एप्लीकेशंस के अंदर, इन तीनों रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के अंदर किस तरीके से आपकी डीप लर्निंग यूज होती है। तो स्टार्ट करते हैं डीप लर्निंग के इंट्रोडक्शन के साथ। तो डीप लर्निंग जो है ये बेसिकली आपकी एक सब फील्ड होती है मशीन लर्निंग की। इसके अंदर हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के जो मॉडल्स होते हैं उनका हम यूज करते हैं टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। अब ये जो डीप लर्निंग है, इस टर्म के अंदर एक वर्ड है डीप, तो इस डीप का मीनिंग क्या है? यहाँ पे डीप का मीनिंग है मल्टीपल लेयर्स, यानी कि मल्टीपल आर्किटेक्चर्स, डीप आर्किटेक्चर्स। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अंदर हमने समझा था कि बेसिकली हमारी नोड्स के थ्रू इनपुट आता है, उस पर कुछ वेट्स बायसेस पास होते हैं, एंड देन वो नेक्स्ट लेयर की तरफ मूव कर जाता है, एंड देन इसी तरह फंक्शनैलिटीज होते होते हमें आउटपुट मिलता है। बट वहां पे हमारे पास सिर्फ तीन लेयर होती है, इनपुट लेयर, हिडन लेयर और आउटपुट लेयर। बट डीप लर्निंग के अंदर जो है बहुत सारी लेयर्स होती हैं, मल्टीपल लेयर्स होती हैं, मल्टीपल लेयर्स ऑफ आर्किटेक्चर होता है। इसी वजह से जो है हमें आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क से सेपरेट एक टॉपिक एक्सट्रैक्ट आउट करना पड़ा, जिसका नाम है डीप लर्निंग। अब ये जो नेटवर्क्स होते हैं इन्हें हम बोलते हैं डीप न्यूरल नेटवर्क्स। जैसे ANN को हम बोलते थे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, इसी तरह डीप लर्निंग के न्यूरल नेटवर्क्स को हम बोलते हैं डीप न्यूरल नेटवर्क्स। अब डीप लर्निंग यूज कहां पे होती है, एप्लीकेशन समझिए। इमेज और स्पीच रिकॉग्निशन के अंदर हम डीप लर्निंग का यूज करते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर हम यूज करते हैं। अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे सेकंड सब टॉपिक ऑफ डीप लर्निंग, विच इज कॉन्सेप्ट ऑफ CNN, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। अब CNN बेसिकली होता क्या है, ये बेसिकली आपका स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क है, जो कि डिजाइन किया गया है कुछ स्पेसिफिक टास्क को सॉल्व करने के लिए। अब वो टास्क किस टाइप के होंगे, वो प्रॉब्लम्स किस टाइप्स की होंगी, वो इस टाइप्स की प्रॉब्लम होंगी जहां पे भी आपका डेटा जो है ग्रिड लाइक होगा। ग्रिड लाइक का मीनिंग क्या है, वो डेटा आपका मैट्रिक्स की फॉर्म में होगा। अब मैट्रिक्स किस फॉर्म में हो सकती है, मैट्रिक्स की डायमेंशनैलिटी, कार्डिनैलिटी कुछ भी हो सकती है, 2x3, 4x8, 10x10, 10x12। तो जहां पे भी मैट्रिक्स की फॉर्म में, टू डायमेंशनल फॉर्म में हमारे पास डेटा होगा और हमें
उस डेटा के ऊपर कुछ एल्गोरिदम अप्लाई करनी है और मशीन लर्निंग से कुछ प्रिडिक्ट करवाना है या कुछ काम करवाना है, तो हम CNN का यूज करेंगे, विच इज कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। अब ग्रिड लाइक डेटा का एग्जाम्पल क्या है, आपको समझ में आ गया, वो डेटा जो कि 2D फॉर्म में हो, बट रियल लाइफ एग्जाम्पल है इसका हमारा इमेजेस और सीक्वेंस। अब इमेजेस को आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इमेजेस जो है पिक्सल्स की फॉर्म में डिवाइड होती है और पिक्सल्स के जो है कुछ नंबरिंग्स होती है। तो अगर आपने एक इमेज को डिवाइड कर दिया पिक्सल्स में, पिक्सल्स को डिवाइड कर दिया नंबर्स में, तो एट द एंड आपको इमेज किस फॉर्म में मिली, वो मिली ग्रिड लाइक डेटा में, मैट्रिक्स की फॉर्म में। CNN जो है, अभी मैंने आपको बताया, एक स्पेशलाइज टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क मॉडल है जो कि 2D इमेज के डेटा पे काम करेगा। बट यहाँ पे जो है एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है कि CNN जो है आपका 1D या फिर 3D डेटा पे भी काम कर सकता है। बट CNN की स्पेशलाइजेशन किस में है, वो स्पेशलाइजेशन है इसकी 2D डेटा में। CNN जो है वो हाईली इफेक्टिव है हमारे कंप्यूटर विजन के टास्क में, जहाँ पे हमें इमेज को क्लासिफाई करना होता है, ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना होता है या फिर इमेज जनरेट करनी होती है। अब आज AI के ज़माने में, AI के एरा में आपने बहुत सारे टूल्स देखे होंगे जो जिसमें हम क्या करते हैं, सिंपली हमारे कैमरा के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो हमारा मशीन लर्निंग मॉडल ऑटोमेटिकली बता देता है कि ये किस तरीके का ऑब्जेक्ट है या फिर पर्टिकुलर जो भी ऑब्जेक्ट है। और अभी करंटली जो है आपने देखा होगा को पायलट या फिर इमेज जनरेशन AI के थ्रू बहुत ही ज़्यादा डिमांड में है। हमें सिंपली एक टेक्स्ट कमांड देते हैं और AI जो है हमें इमेज जनरेट करके दे देता है। तो उसके बिहाइंड द सीन्स नेटवर्क कौन सा यूज़ हो रहा है, कौन सी AI एल्गोरिदम यूज़ हो रही है, तो अगर आपको ये चीज़ जाननी है तो सिंपल सी बात है, आपको CNN के बारे में पता होना चाहिए। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि CNN के अंदर मल्टीपल लेयर्स होती हैं, तो अब वो मल्टीपल लेयर्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहली लेयर इसके अंदर आती है हमारी कॉन्वोल्यूशनल लेयर। अब कॉन्वोल्यूशनल लेयर क्या होती है, ये बेसिकली आपकी वो लेयर होती है जो कि आपके इनपुट डेटा पे जो है ऑपरेशंस को, कौन से ऑपरेशंस, कॉन्वोल्यूशनल ऑपरेशंस को जो है अप्लाई करती है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अंदर हमारे पास एक इनपुट लेयर होती थी जो कि इनपुट डेटा को रिसीव करती थी एंड देन हिडन लेयर के पास पास करती थी। यहाँ पे हमारी फर्स्ट लेयर है कॉन्वोल्यूशनल लेयर, जो कि इनपुट डेटा के ऊपर कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन जो अप्लाई करती है। अब कॉन्वोल्यूशन बेसिकली होता क्या है, अब कॉन्वोल्यूशन जो है ये बेसिकली एक छोटा सा फिल्टर होता है जिसे टेक्निकल टर्म्स में जो है हम कर्नल बोलते हैं। तो कॉन्वोल्यूशन एक छोटा सा स्मॉल फिल्टर है जिसे टेक्निकल टर्म्स में कर्नल बोला जाता है, और इस फिल्टर को जो है हम हमारी इनपुट वैल्यूज पे अप्लाई करते हैं। बेसिकली जो भी हमारा 2D डेटा है उसके अंदर जो मल्टीपल एलिमेंट्स हैं उसके अंदर स्मॉल फिल्टर की वैल्यू को मल्टीप्लाई किया जाता है एंड देन उन सभी वैल्यूज का समीशन करके एक फीचर मैप में जो है प्रोड्यूस कर दिया जाता है। और इस ऑपरेशन से क्या होता है, हम लोकल पैटर्न्स फाइंड आउट कर लेते हैं इमेज के, सच एज एजेस और टेक्सचर्स। अब सपोज मेरे पास एक इमेज है, इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे, अभी हम समझते हैं कि कॉन्वोल्यूशन लेयर होती क्या है अच्छे से। तो अब ये जो मैंने फिल्टर बताया आपको, कर्नल बताया आपको, ये मल्टीपल हो सकते हैं। रीजन, अभी जितनी भी हमारी कन्वोल्यूशन लेयर होती है इसके अंदर मल्टीपल फिल्टर्स होते हैं और हर एक फिल्टर जो है डिफरेंट एस्पेक्ट या फिर डिफरेंट फीचर ऑफ इनपुट के लिए डिजाइन किया जाता है। तो अब हम इसको समझते हैं इमेज के साथ, जैसा मैंने आपको बताया। अब आप देखिए, ये मेरी एक इमेज है जहाँ पे क्या है, मेरी एक 2D डेटा की फॉर्म में मेरी इमेज कन्वर्ट हो गई और ये ABCDEFGHIJKLMNOP जो भी आप ये इसके अंदर एलिमेंट्स देख रहे हैं, ये सारे एलिमेंट्स क्या है, ये सारे एलिमेंट्स है मेरे उस इमेज के पिक्सल्स फॉर्म में जो डेटा है वो। ये जो इमेज का डेटा मेरे पास आया इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, एक मल्टीप्लीकेशन अप्लाई करूंगा। वो मल्टीप्लीकेशन किस चीज की होगी, अभी मैंने आपको बताया कि एलिमेंट वाइज हम मल्टीप्लाई करते हैं किसको, एक स्मॉल फिल्टर को जिसे हम बोलते हैं कर्नल। तो एक कर्नल होता है, एक स्मॉल फिल्टर होता है जिसके अंदर कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज होती हैं, WXYZ की फॉर्म में यहाँ पे मैंने उनको रिप्रेजेंट किया है। अब इन दोनों वैल्यू का जो है प्रोडक्ट होगा, जैसे आपने नॉर्मल मैट्रिक्स का प्रोडक्ट किया होगा, तो सिंपली सेम वे में जो है हमारा कॉन्वोल्यूशनल लेयर जो है 2D डेटा पे कर्नल की मल्टीप्लीकेशन कर देती है एलिमेंट वाइज, और हमें आउटपुट किस फॉर्म में मिलेगा, नॉर्मल प्रोडक्ट फॉर्म में मिलेगा, AW+BX+EY+FZ। नॉर्मल मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में जब हम सारे एलिमेंट्स पे मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो हमें इस टाइप
टाइप से हमारा एक एक्टिवेशन मैप मिलेगा, जिसको मैंने लास्ट स्लाइड के अंदर मेरे जो है फीचर मैप से रिप्रेजेंट किया था। अब नेक्स्ट जो भी लेयर होगी वो अब एक्चुअल के इमेज डेटा पे काम नहीं करेगी, वो अब काम करेगी हमारी एक्टिवेशन मैप पे। तो अब मूव ऑन करते हैं हमारी सेकेंड लेयर की तरफ, जो कि है हमारी एक्टिवेशन फंक्शन। जब कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन हमने अप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या आया, एक एक्टिवेशन फंक्शन आया, एक्टिवेशन मैप आया। अब इस एक्टिवेशन लेयर को जो हम रेलू लेयर के नाम से भी जानते हैं, RELU, जिसकी फुल फॉर्म है रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट। अब ये क्या करती है, जो भी हमारे पास एक्टिवेशन फंक्शन आया, अब वो किसमें है, नॉन लीनियर डेटा में, यानी उसकी हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज हैं। बट अब हम क्या करेंगे, रेलू लेयर की हेल्प से जो है अब हम उस डेटा को और कॉम्प्लेक्स मैपिंग की तरफ मूव ऑन करेंगे। थर्ड लेयर होती है हमारी पूलिंग लेयर। अब जब एक्टिवेशन फंक्शन के अंदर हमने और कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर या फिर और कॉम्प्लेक्स मैपिंग कर दी, तब हमारी पूलिंग लेयर काम में आती है। और पूलिंग लेयर आपकी करती क्या है, जो भी स्पेशल डायमेंशंस होती है इनपुट डेटा की, उसको डाउन सैंपल कर देती है। यहाँ पे डाउन सैंपलिंग का मीनिंग है कि अगर मेरा डेटा यहाँ पे 2x2 की मैट्रिक्स में है तो उसे मैं फाइनली एक सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट कर दूंगा, और इसी चीज को हम बोलते हैं पूलिंग। और यहाँ पे एक कॉमन पूलिंग ऑपरेशंस यूज होते हैं, जिसे हम बोलते हैं मैक्स पूलिंग, और दूसरा फंक्शन हम यूज करते हैं एवरेज पूलिंग। अब ये डेटा पे डिपेंड करता है कि आपको मैक्स पूलिंग यूज करना है, एवरेज पूलिंग यूज करना है, या फिर मिनिमम पूलिंग यूज करना है। अब मैक्स पूलिंग के अंदर क्या कम यूज करते हैं, अभी मैंने आपको बताया एक्टिवेशन फंक्शन से सपोज मेरे पास 2x2 की एक मैट्रिक्स आई। अब उस 2x2 की मैट्रिक्स का मेरे पास क्या होगा, मेरे पास उसका कोई रिजल्ट नहीं है, तो मैं उसको एक सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट करूंगा, और उसके लिए हम यूज करते हैं मैक्स पूलिंग, यानी उस 2x2 की मैट्रिक्स से हम मैक्सिमम वैल्यू को रिटेन कर लेंगे, और एवरेज पूलिंग के अंदर उस सारे एलिमेंट्स की एवरेज वैल्यू को हम रिटेन कर लेंगे। उससे पहले हम एग्जाम्पल की तरफ मूव करें, एक सब सैंपलिंग का कॉन्सेप्ट यूज होता है, जिसके अंदर हम इनवेरिएंट या फिर स्मॉल ट्रांसलेशंस डिस्टॉर्शंस को यूज करते हैं, जो कि इनपुट पे अप्लाई होता है। अब सब सैंपलिंग का भी मीनिंग यही है कि हम क्या करेंगे, उस हायर मैट्रिक्स को जो है लोअर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देंगे, बट सब सैंपलिंग के अंदर जो हम इनपुट वैल्यूज का भी ध्यान रखते हैं, और इसीलिए जो है ये क्या कर देता है, ये रिड्यूस कर देता है हमारे कॉम्प्यूटेशनल लोड को। मशीन के लिए 2x2 मैट्रिक्स का डेटा समझना आसान है या फिर एक सिंगल वैल्यू समझना आसान है, आप खुद सोचिए। वीडियो को पॉज करिए और समझिए कि एज ए इंडिविजुअल आप 2x2 की मैट्रिक्स को इजीली समझ पाएंगे या फिर एक सिंगल नंबर को, तो उसी तरीके से मशीन भी जो है एक सिंगल नंबर को इजीली समझ पाएगी, और इसीलिए जो है हमें डाउन सैंपलिंग करनी पड़ती है। अब सपोज मेरी जो स्टार्टिंग इमेज की वैल्यू थी ABCD वाली, उसके अंदर आपने देखा होगा 8x8 की मेरी मैट्रिक्स थी, जब मैंने उस पर मेरी 2x2 का फिल्टर अप्लाई किया, कर्नल अप्लाई किया, एंड देन एक्टिवेशन मैप से कुछ फंक्शंस अप्लाई किए, अब बारी आती है उन सभी डेटा को डाउन सैंपल करने की, यानी वैल्यू को रिड्यूस करने की। तो आप देखेंगे 8x8 की मैट्रिक्स मेरी कन्वर्ट होगी किसमें, 4x4 की मैट्रिक्स में। अब मुझे इसको क्या करना है, और रिड्यूस करना है, तो रिड्यूस करने के लिए मैं क्या करूंगा, अब यहां पे देखिए हमने यूज किया है मैक्सिमम पूलिंग, मैक्स पूलिंग क्यों। अब आप देखिए ये जो है मेरी 2x2 की मैट्रिक्स है, जिसपे मैं मैक्स पूल अप्लाई करूंगा, ये मेरी क्या है 2x2 की एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर चार एलिमेंट है 1, 1, 5, 6। तो मैक्स पूलिंग के अंदर हम क्या करते हैं, उस 2x2 की मैट्रिक्स में मैक्सिमम वैल्यू को एक्सट्रैक्ट आउट कर लेते हैं। तो यहां से मेरी मैक्सिमम वैल्यू रिटेन होके आई 6, तो 6 को हमने 2x2 की मैट्रिक्स में इनपुट कर दिया। इसी तरीके से रिमेनिंग जो मेरी बाकी तीन मैट्रिक्स है 2x2 की, जो कि कंबाइन होके बना रही है 4x4 की मैट्रिक्स, यहां से भी जो मैक्स पूलिंग का फंक्शन अप्लाई करके मैक्सिमम वैल्यूज को रिटेन कर लेंगे। तो इसी तरीके से मल्टीपल लेयर्स में हम सेम फिल्टर, सेम पूलिंग और सेम एक्टिवेशन मैप की फंक्शंस की वैल्यूज को अप्लाई करते हैं, और इसी तरीके से एक मल्टीपल मैट्रिक्स यानी कि 2x2, 4x4, 8x8, 16x16 जो भी हमारा इमेज का डेटा है उसको हम क्या करेंगे, सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट कर लेंगे, ताकि मशीन को समझ में आ जाए कि उसे काम क्या करना है। तो इसीलिए इसे डीप लर्निंग बोला जाता है, बिकॉज हम एक मैट्रिक्स के डेटा को रिड्यूस करते जाते हैं जब तक हमें फाइनल नंबर समझ में नहीं आता, और ये डिपेंड करता है हमारी लेयर्स पे, और कितनी लेयर्स होंगी वो डिपेंड करता है हमारे पूलिंग फंक्शन पे या फिर कर्नल पे। अब फोर्थ और फाइनल लेयर इसके अंदर आती है हमारी फुल्ली कनेक्टेड लेयर।
अब ये क्या होती है, जब हम बहुत सारे कॉन्वोल्यूशनल और पूलिंग लेयर्स अप्लाई कर देते हैं तो फाइनली हमें डेटा को ऐड भी तो करना है, तो उस डेटा को ऐड करने के लिए फाइनली एक आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए हम एक स्पेसिफिक लेयर का यूज करते हैं जिसका नाम है फुल्ली कनेक्टेड लेयर। अब इस लेयर के अंदर क्या होता है, ये लेयर जो है हमारी हाई लेवल लेयर होती है जो कि इनवेरिएंट फीचर से सीखती है और कॉन्वोल्यूशनल लेयर्स के थ्रू जो है हमें या फिर मशीन को हेल्प करती है क्लासिफाई करने में या फिर रिग्रेशंस के टास्क को आइडेंटिफाई करने में कि बेसिकली वो ऑब्जेक्ट है क्या, वो इमेज है क्या। तो ओवरऑल लेमन लैंग्वेज में ये चार लेयर यूज होंगी डीप लर्निंग के अंदर और इन चारों लेयर की हेल्प से हम ऑब्जेक्ट को या फिर इमेज को क्लासिफाई कर सकते हैं। अब ये जो है पूरा इसका स्ट्रक्चर होता है। अब आप यहाँ पे देखिए, ये हमारी इनपुट की कोई इमेज है कार की, ये हमने मशीन को प्रोवाइड की। अब इसमें क्या किया, इस इमेज के अंदर इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में आप देखेंगे तो एक छोटी सी मैट्रिक्स यहाँ पे बनाई हुई है। ये मैट्रिक्स क्या है, उस पर्टिकुलर इमेज का एक छोटा सा पार्ट है। अब उस छोटे से पार्ट पे जो है चार लेयर हमारी काम करती है, कॉन्वोल्यूशनल लेयर, सेकेंड लेयर होती है रेलू लेयर जिसको हमने एक्टिवेशन लेयर के नाम से भी पढ़ा, और थर्ड लेयर इसके अंदर काम करती है हमारी पूलिंग लेयर। तो ये तीन लेयर जो हमारी हिडन लेयर्स का काम करती है। एंड देन फाइनली जब इमेज एक नंबर में कन्वर्ट हो जाती है, अब उस एक नंबर के ऑब्जेक्ट के पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो नंबर पर्टिकुलरली क्या स्पेसिफाई कर रहा है, क्या शो कर रहा है, उसके लिए हम एक लास्ट लेयर का यूज करते हैं जो कि होती है हमारी फुल्ली कनेक्टेड लेयर, जिसके अंदर तीन फंक्शंस यूज होते हैं, फ्लैटन, फुल्ली कनेक्टेड और सॉफ्ट मैक्स। अब आप सिर्फ इतना समझिए, वो एक नंबर रिप्रेजेंट क्या कर रहा है उसको समझने के लिए फुल्ली कनेक्टेड लेयर का हम यूज करते हैं। अब मूव ऑन करते हैं हम 1D और 2D कॉन्वोल्यूशनल नेटवर्क की तरफ कि 1D और 2D CNN नेटवर्क होते क्या हैं। अब 1D CNN वहां पे ज्यादा यूज किया जाता है जहां पे डेटा सिक्वेंशियल होगा, जैसे कि वो डेटा जो कि टाइम सीरीज की फॉर्म में होता है या फिर टेक्स्ट डेटा की फॉर्म में होता है। एग्जाम्पल, सपोज आपने एक एरे डेटा स्ट्रक्चर का नाम सुना होगा, वो क्या होता है, सीक्वेंशियल होता है, यानी कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में मूव ऑन करता है, एरे, लिंक्ड लिस्ट, ये सभी जो एक सीक्वेंस में मूव करती है। तो वो डेटा जो कि सीक्वेंशियल होगा वहां पे हम 1D CNN कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क यूज करेंगे, और इसके अंदर जो है हमारा 1D लेयर्स ही होती है जो कि नेटवर्क को अलाउ करती है कि वो 1D डेटा में से भी पैटर्न्स को समझ सके और उसके सीक्वेंस के फीचर्स को समझ पाए। और दूसरा होता है हमारा 2D CNN। अब 2D CNN को जो हम CONV2D यानी कि कॉन्वोल्यूशनल 2D नेटवर्क के नाम से भी जानते हैं। अब 2D डेटा कहाँ पे यूज होता है, इमेजेस के डेटा पे। इमेज हमारी क्या होती है, 2D होती है। इमेज को ब्रेक करेंगे पिक्सल्स में, पिक्सल्स को ब्रेक करेंगे मैट्रिक्स में, तो एट द एंड मैट्रिक्स हमारे पास मिलेगी 2D डेटा में। तो जहां पे भी 2D डेटा होगा वहां पे जो है हमें क्या करना है, 2D CNN का यूज करना है। और 2D CNN के अंदर हम क्या करते हैं, कर्नल्स का यूज करते हैं। कर्नल क्या होते हैं, आपके स्मॉल फिल्टर्स होते हैं जो कि इनपुट डेटा पे अप्लाई होते हैं और एक एक्टिवेशन मैप, एक एक्टिवेशन फंक्शन जनरेट करके देते हैं हमारी नेक्स्ट लेयर को, जो कि हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि बेसिकली ये इस मैट्रिक्स के अंदर के जो वैल्यूज हैं ये बेसिकली क्या स्पेसिफाई कर रही हैं। तो ये होता है हमारा कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के दो स्पेसिफिक टाइप, 1D और 2D। हमारी इमेज है, इमेज की हाइट, विड्थ और डेप्थ तीनों चीजें हमें मालूम है। अब यहाँ पे आप देखेंगे क्या है, 3D डेटा है, 3D इमेज है। अब इस 3D इमेज के अंदर जो है हमारा फंक्शन या फिर कर्नल क्या होगा, वो 2D होगा, बिकॉज हम इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का यूज करेंगे हमारी कर्नल की वैल्यूज को या फिर हमारे फिल्टर की वैल्यूज को अप्लाई करने के लिए। तो ये हो गया हमारा 1D और 2D कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। अब मूव ऑन करते हैं कि हमारा मॉडल ट्रेन कैसे होगा। तो मॉडल की ट्रेनिंग का सिंपल सा फंक्शन है, इस वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचता हूं, बिकॉज मशीन लर्निंग का कोई भी मॉडल का ट्रेन होने का एक सिंपल तरीका है कि सबसे पहले हमें नेटवर्क को या फिर स्ट्रक्चर को या फिर जिस भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को हमें ट्रेन करना है हमें उसका पता होना चाहिए। सेकंड स्टेप में हम न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर इनिशियल वेट्स असाइन करते हैं जो कि एल्गोरिदम रैंडमली चूज करती है। तो जैसे ही वो वेट्स आइडेंटिफाई कर लेती है हमारी मशीन, देन अब हम यहाँ पे दो अप्रोच यूज कर सकते हैं। पहली सुपरवाइज्ड लर्निंग, जहाँ पे इनपुट और आउटपुट हम दोनों प्रोवाइड करेंगे मशीन को। अब इनपुट आउटपुट जब हम दोनों प्रोवाइड कर देंगे तो उसके अंदर क्या होगा, मशीन को जो है एरर्स को लिए बैक प्रोपेगेट करना पड़ेगा। हमने मशीन को इनपुट भी दे दिया, आउटपुट भी दे दिया, अब उस इनपुट डेटा पे वेट अप्लाई होंगी, हमारी नेटवर्क की चारों लेयर्स अप्लाई होंगी और हमें एक आउटपुट मिलेगा।
बट अगर वो आउटपुट सही नहीं है, हमारे आउटपुट में एरर है, तो उस एरर को कवर करने के लिए हम बैक प्रोपेगेट करेंगे। अब बैक प्रोपेगेट क्या होता है, ये भी मैंने मेरी लास्ट वीडियो में समझाया है कि हम यहाँ पे बैक प्रोपेगेशन एल्गोरिदम यूज करते हैं। हमारे सारे स्टेप्स जो हैं स्टार्टिंग से कंटिन्यू होते हैं, क्यों? बिकॉज हमारी एरर आ रही है हमारे आउटपुट के अंदर, तो उसको कवर करने के लिए जो है हम बैक प्रोपेगेशन एल्गोरिदम का यूज करते हैं, जहाँ पे वेट्स की वैल्यू फिर से चेंज होती है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है, जब हमारे आउटपुट हमें सही मिलने लगा, तो जिस सेट ऑफ डेटा पे हमारा मशीन लर्निंग मॉडल या हमारा ट्रेनिंग सेट हमें सही आउटपुट दे रहा है, तो उस मॉडल को अब हम ट्रेन करेंगे। तो ट्रेन करने के लिए हम दो टाइप में डेटा को डिवाइड करते हैं, एक ट्रेनिंग डेटा, दूसरा होता है हमारा टेस्टिंग डेटा। तो ट्रेनिंग डेटा पे जो हम हमारे मॉडल को ट्रेन करेंगे, और हमारा मॉडल जब तक ट्रेन होगा, जब तक सही वेट्स की वैल्यू को वो आइडेंटिफाई नहीं कर लेता जिससे हमें करेक्ट आउटपुट मिल सके। दूसरी हमारा जो होता है वो हमारी मशीन लर्निंग की ट्रेनिंग का या फिर नेटवर्क की ट्रेनिंग का टाइप होता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर हम मशीन को सिर्फ इनपुट वैल्यू देते हैं, आउटपुट नहीं देते हैं, तो मशीन खुद से बार बार गलती करके सीखेगी कि किस तरीके से हमारी सारी फंक्शनैलिटीज, हमारे सारे वेट्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए। और वही चीज मैंने अभी आपको बताई कि इसके अंदर जो है हमारा सिस्टम खुद से बार बार सीखता है कि क्या फीचर्स की वैल्यू होनी चाहिए हमारे इनपुट डेटा के लिए, और इसीलिए जो है हम इस एल्गोरिदम को सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन या फिर अडेप्शन एल्गोरिदम भी बोलते हैं। बिकॉज अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर मशीन के पास सिर्फ इनपुट होता है और वो बार बार खुद की वैल्यूज को अप्लाई करती है, अगर गलती आती है तो वैल्यूज को चेंज करती है। तो बेसिकली वो क्या कर रही है, सेल्फ एनालाइज करके डेटा को या फिर मॉडल को एडेप्ट कर रही है। फाइनली अब हमने डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट को समझ लिया है कि किस तरीके से डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट, क्या क्या लेयर्स उसके अंदर होती है और किस तरीके से 1D और 2D में डिफरेंस होता है, उन सभी को हमने समझा। अब हम डिस्कस करेंगे एक पर्टिकुलर केस स्टडी के बारे में जिसका नाम है डायबिटिक रेटिनोपैथी। अब डायबिटिक रेटिनोपैथी होता क्या है, ये बेसिकली आपका एक मेजर कोज होता है, ये बेसिकली आपकी एक बीमारी होती है जो कि ब्लाइंडनेस क्रिएट करती है। अब जितने भी हमारे डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उन सभी को जो है रेटिनोपैथी। अब रेटिनोपैथी में एक छोटा सा सब वर्ड है रेटिनो। अब ये रेटिनो का मीनिंग क्या है, रेटिनो जो है बेसिकली हमारी आई का, हमारी आंख का जो है एक पर्टिकुलर हिस्सा होता है, एक पर्टिकुलर टिश्यू होता है, एक पर्टिकुलर ऑर्गन होता है जिससे हम हमारी किसी भी चीज को रियल वर्ल्ड में देख सकते हैं। तो जब हमारे यूजर्स का या फिर हमारे पेशेंट्स का जिनको डायबिटीज है उनका जो है डायबिटीज लेवल हाई हो जाता है, तो हमारी रेटिना पे जो है इफेक्ट करता है और उससे जो है वो पर्सन, उसकी आई की देखने की स्ट्रेंथ जो है कम हो जाती है, जिससे जो है ब्लाइंडनेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब यहाँ पे CNN कैसे हेल्प करेगा, अब CNN यानी कि कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क जो है वो कैसे हेल्प करेगा वो समझते हैं। तो अब उस रेटिना के फंक्शंस के, उसके पैटर्न्स को समझने के लिए कि वो किस तरीके से देख रहा है, कैसे क्या देख रहा है, रेगुलर स्क्रीनिंग की रिक्वायरमेंट होती है कि पर्टिकुलर किस डायबिटिक लेवल पे जो है रेटिनो किस तरीके से काम कर रहा है, क्या उसकी वैल्यूज है। बट हर टाइम 24 आवर्स जो है हम देखते रहते हैं कुछ ना कुछ, तो उसके लिए डॉक्टर्स या फिर कोई भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल 24 घंटे साथ नहीं रह सकता। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक मशीन लर्निंग नेटवर्क का यूज करेंगे जो कि बेसिकली हमारी आई पावर, हमारी आंखों की देखने की क्षमता को जो है एनालाइज करेगा और समझेगा कि हम उसे किस तरीके से क्योर कर सकते हैं। अब इसके लिए जो है दो चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्यूरेसी और टाइमिंग। अब एक्यूरेसी और टाइमिंग ये जो है हमारी क्या होनी चाहिए, ये इस तरीके से डिजाइन होनी चाहिए कि हमारी एक्यूरेसी भी अच्छी हो, हमारा टाइम भी कम लगे और एट द एंड जो है हमारी कॉस्ट और इफेक्टिवनेस जो है ट्रीटमेंट की वो भी कम रहे। अब अर्ली डिटेक्शन बहुत ही ज्यादा जरूरी है डायबिटिक रेटिनोपैथी का। अब इफेक्टिव ट्रीटमेंट जो है DR का यानी कि डायबिटिक रेटिनोपैथी का वो अवेलेबल है, बट ये एक बहुत ही वाइटल यानी कि कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी, अब इसके अंदर क्या होता है, न्यूमरस बहुत सारे फीचर्स होते हैं हमारे आई के जिसपे जो हम क्या करते हैं वेट्स की वैल्यू को अप्लाई करते हैं। अब ये जो है क्लिनिक्स में डॉक्टर्स के थ्रू एनालाइज करना या फिर कंज्यूम करना बहुत ही हाईली
टाइम कंज्यूमिंग होता है, बट मशीन के थ्रू हम इजीली कर सकते हैं। अब आपने नॉर्मल देखा होगा, जब भी आप अपनी नॉर्मल आंख चेक कराने जाते हैं, आई चेक कराने जाते हैं, अपनी आई पावर, आई स्ट्रेंथ को चेक कराने जाते हैं, तो आप सिंपली मशीन के अंदर देखते हैं और आपकी मशीन जो है आपकी आई की जितनी भी पावर्स होती हैं, वैल्यूज होती हैं, उसको एनालाइज कर लेता है सिंपली। कैसे? एक उसके अंदर इस तरीके से हमारी फंक्शनैलिटी इस टेक्नोलॉजी डिजाइन की गई है कि वो हमारे आई के छोटे छोटे लेयर्स को, पार्ट्स को जो है एक 2D डेटा में कन्वर्ट कर देता है और उसके अंदर फिर जो हम वेट्स की वैल्यू को अप्लाई करते हैं टू फाइंड आउट द रेटिना फीचर्स, कि हमारी आई के अंदर जो रेटिना ऑर्गन है जिससे हमारी आई की पावर पता चलती है, उसके अंदर हम वेट वैल्यू को अप्लाई करेंगे और पता करेंगे कि हमारे उस पर्टिकुलर ऑर्गन की, रेटिना की, जब हमने उसको 2D डेटा में कन्वर्ट किया तो उस पर जब हमने वेट अप्लाई किया, CNN कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क अप्लाई किया, तो पर्टिकुलर क्या वैल्यू हमें मिल रही है। तो इससे हमें क्या पता चलेगा, इससे हमें पता चलेगा कि हमारे आई की पावर क्या है विद द हेल्प ऑफ मशीन। तो इसके लिए जो है कंप्यूटर जो है आज के डेट के अंदर जो है अप टू डेट है, जो कि क्लासिफिकेशन कर सकते हैं जब अगर हम उनको ट्रेन कर दे तो, और इससे जो है क्या होगा, हमें रियल टाइम जो है क्लासिफिकेशन पता चल जाती है आई पावर की। अब मशीन लर्निंग के अंदर हम जो है KNN या फिर SVM सपोर्ट वेक्टर मशीन एल्गोरिथम का यूज करते हैं और इससे जो है हमें एक फाइनली दो क्लासिफिकेशन मिल जाती है टेक्निक्स, जिससे हमें पता चल जाता है कि कोई भी इंडिविजुअल को DR यानी कि डायबिटिक रेटिनोपैथी है या नहीं है। सेकेंड केस स्टडी की तरफ मूव करते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बिल्डिंग ए स्मार्ट स्पीकर। अब स्मार्ट स्पीकर आपने देखे होंगे एलेक्सा या फिर जो भी हमारे गूगल असिस्टेंट या फिर वॉइस असिस्टेंट होते हैं, जो कि सिंपली एक कमांड पे कोई भी अपना काम या फिर उसको टास्क जो भी दिया गया है वो कर देते हैं। तो वो बिल्ड करते वक्त कैसे CNN उसमें यूज करता है वो हम अब समझते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, एक स्पीकर रिकॉग्निशन सिस्टम बनाना है जो कि ANN आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का यूज करे। अब इसके अंदर होगा क्या, वो डेटा को कलेक्ट करेगा, सबसे पहले डेटा की रिक्वायरमेंट है और स्मार्ट स्पीकर बिल्ड कर रहे हैं तो स्पीकर हमारी ऑडियो की वॉइस को समझना चाहिए, तो डेटा हमारा कैसा होगा, ऑडियो की फॉर्म में होगा। अब उस ऑडियो डेटा में से हम फीचर्स को एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे। अब सपोज मैंने एक मेरे एलेक्सा को कमांड दी, एलेक्सा प्ले दिस सॉन्ग, पर्टिकुलर सॉन्ग का मैंने उसको नाम बता दिया, तो एलेक्सा को वो कीवर्ड समझ में आना चाहिए कि प्ले करने से क्या होगा, और उसने सॉन्ग बोला है तो पर्टिकुलर सॉन्ग का नाम क्या है, फिर उस सॉन्ग को सर्च करेगी इंटरनेट पे, देन उस पर्टिकुलर सॉन्ग को प्ले कर देगी। तो इसके अंदर भी जो बहुत सारे फीचर्स हुए, अगर मैंने प्ले कमांड दी तो उसे कुछ प्ले करना है, पर्टिकुलर सॉन्ग का नाम दिया तो उसे उस सॉन्ग को आइडेंटिफाई करना है, इंटरनेट पे सर्च करना है, एंड देन हमें रिट्रीव करके देना है। तो मल्टीपल फीचर्स हैं, तो उन फीचर्स को एक्सट्रैक्ट आउट करना है। देन जब हमारे फीचर्स एक्सट्रैक्ट आउट हो गए तो अब हम क्या करेंगे, ANN आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क या फिर डीप लर्निंग के किसी भी न्यूरल नेटवर्क की एल्गोरिदम का यूज करेंगे और अब हम हमारे मॉडल को ट्रेन करेंगे। जब ट्रेनिंग हो जाएगी फिर हम ट्यूनिंग करते हैं, ट्यूनिंग का मतलब टेस्टिंग करते हैं। मॉडल ट्रेन हो गया, उसको हम अब क्या करेंगे, ऑप्टिमाइज करेंगे, और ऑप्टिमाइज करने के लिए हम हमारी ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम्स का यूज करेंगे। देन वैलिडेशन और टेस्टिंग होगी कि जिस मॉडल को आपने ट्रेन किया है क्या वो सही तरीके से काम कर रहा है, अगर आपने बोला प्ले दिस सॉन्ग तो क्या वो सही सॉन्ग प्ले कर रहा है, तो टेस्टिंग और वैलिडेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब केस स्टडी का मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ, बिकॉज हम केस स्टडी डिस्कस कर रहे हैं, तो केस स्टडी के अंदर जो है हम सिर्फ इतना समझते हैं कि वो किस तरीके से पर्टिकुलर एप्लीकेशन काम करती है। तो जब वैलिडेशन और टेस्टिंग हो जाएगी हमारे स्मार्ट स्पीकर की मॉडल की, तब हम उसको क्या करेंगे, डिप्लॉय करेंगे। अब डिप्लॉय करने के लिए क्या होगा, हम एक पर्टिकुलर बेसिकली IoT डिवाइसेस का यूज करेंगे ताकि हम डेटा को एक्सचेंज और रिसीव कर सके, एंड देन फाइनली एक पर्टिकुलर मॉडल, एक पर्टिकुलर मशीन के अंदर हम हमारे मॉडल को डिप्लॉय कर देंगे। और लास्ट स्टेप जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। मॉडल बन गया, मॉडल डिप्लॉय हो गया, लोग मॉडल को यूज कर रहे हैं, बट उस मॉडल की इंप्रूवमेंट की, आपकी एक्यूरेसी क्या है मॉडल की, उसके लिए कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है, जिसका हम यूज करते हैं। तो बेसिकली ये 5 स्टेप होते हैं हमारे। सबसे पहले तो हमें ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, देन हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, देन हम फीचर्स को एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं, देन हम हमारे मॉडल्स के आर्किटेक्चर को डिजाइन करते हैं, फिर हमारे मॉडल को हम ट्रेन करेंगे डेटा पे, ट्रेन करने के बाद उस डेटा पे वैलिडेशन और टेस्टिंग होगी,
टेस्टिंग के बाद मॉडल को डिप्लॉय किया जाएगा एंड देन फाइनली हमें कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करते रहना है हमारे मॉडल की। लास्ट और फाइनल केस स्टडी है सेल्फ ड्राइविंग कार। सेल्फ ड्राइविंग कार का एक बेस्ट एग्जाम्पल है टेस्ला, जिसके अंदर ऑटोमेटेड कार जो है हमारी ऑटोमेटिकली चलती रहती है विदाउट एनी ड्राइवर, बेसिकली सेल्फ ड्राइव करती है कार। तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक सेल्फ ड्राइविंग कार का सिस्टम बनाना है जो कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का सिस्टम के यूज करे और ऑटोनोमस नेविगेशन का यूज करे। ऑटोनोमस नेविगेशन का मतलब है कि उसे आप पर्टिकुलर एड्रेस दे दो और गाड़ी में बैठो, गाड़ी अपने आप आपको आपकी लोकेशन पे पहुंचा देगी, यानी नेविगेट ऑटोमेटिकली करती रहेगी। तो अगेन सेम स्टेप, हमें क्या करना है, सबसे पहले डेटा को कलेक्ट करना है बिकॉज हम मॉडल को ट्रेन करने वाले हैं। अब डेटा यहाँ पे नॉर्मल डेटा नहीं होगा, यहाँ पे डेटा होगा हमारा सेंसर्स का, इमेजेस का, लिडार का, रडार का, बहुत सारी चीजें जो कि हम नॉर्मल लाइफ में यूज नहीं करते हैं, वैसा डेटा होगा। अब सेंसर का डेटा किस लिए यूज होगा, सेंसर का डेटा इसलिए यूज होगा कि सपोज मेरी कार रन कर रही है, उसे कब किस टाइम पे ब्रेक मारना है, कौन से सेंसर्स डिटेक्ट करेंगे कि सामने कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं, तो सेंसर के डेटा की इमेज होनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हमें नेविगेट करना है। अब आप गूगल मैप या एप्पल मैप्स को देख के पता लगा लेते हैं कि मुझे इतने डिस्टेंस के बाद राइट टर्न करना है, बट मशीन को कैसे पता चलेगा, तो उसको इमेज का डेटा भी समझ में आना चाहिए, उसको रडार का डेटा भी समझ में आना चाहिए कि उसके चारों तरफ जो है कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, कितने व्हीकल्स हैं और उसके अकॉर्डिंग उसे कैसे टर्न लेना है कि अपनी स्पीड मेंटेन करनी है। तो बहुत सारा डेटा जो है उसको आपको कलेक्ट करना है। जैसे वो डेटा कलेक्ट होगा फिर हमारा स्टेप आता है फीचर एक्सट्रैक्शन का, जिसके अंदर अब हम उस डेटा पे वैलिडेशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं या फिर मैनिपुलेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ CNN या फिर RNN, यानी कि कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क की हेल्प से जो है अब हम उस इमेज और सिक्वेंशियल डेटा पे फीचर्स को एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं। जब वो फीचर्स एक्सट्रैक्ट आउट हो गए, अब हम क्या करेंगे, हमारा मॉडल डेवलप करेंगे, उसका आर्किटेक्चर डिजाइन करेंगे। आर्किटेक्चर डिजाइन करने के लिए अब हम दो या फिर तीन हमारी एल्गोरिथम्स का यूज कर सकते हैं, CNN कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, RNN रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क और फुल्ली कनेक्टेड लेयर जो कि CNN का पार्ट है। फिर हम क्या करेंगे, मॉडल को ट्रेन करेंगे। मॉडल को ट्रेन करने के बाद हम सेफ्टी मेजर्स को यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या हमारे इमरजेंसी ब्रेक्स, हमारे सेंसर सही से काम कर रहे हैं, सही टाइम पे ब्रेक ले रहे हैं, और अगर कोलिजन हो भी रहा है तो हमारी सेफ्टी की मेजरमेंट क्या है। बिकॉज जब एक नॉर्मल ह्यूमन कार को ड्राइव करता है तो उसका कंट्रोल ह्यूमन के पास होता है, यानी कि अगर आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट है तो आप ब्रेक ऑब्वियसली मारेंगे, बट मशीन एरर कर सकती है, ये ऑब्वियस सी बात है। इसीलिए हमारे मशीन लर्निंग मॉडल की एक्यूरेसी अगर 70-80% के बीच में भी आती है तो हम उसे हाईली एफिशिएंट मशीन लर्निंग बोलते हैं। फुल्ली वो एफिशिएंट अभी भी नहीं है बिकॉज 20-30% का गैप वहां पे है। तो इसीलिए जो है यहाँ पे टेस्टिंग को जो है हम सेफ्टी मेजर्स के नाम से रिमूव कर देते हैं या फिर रेप्लीकेट कर देते हैं। जैसे नॉर्मल स्मार्ट स्पीकर के अंदर हमारे पास कोई ह्यूमन के हार्म करने का तरीका नहीं था, तो वहां पे हमने बोला था टेस्टिंग कि अब हम हमारे मॉडल को टेस्ट करेंगे, बट यहाँ पे ह्यूमंस की लाइफ्स को खतरा है अगर हमारा मॉडल या फिर सेल्फ ड्राइविंग कार ढंग से काम नहीं करेगी। तो हमने क्या किया, सेफ्टी मेजर्स जो है यहाँ पे उसके फाइंड आउट किए कि क्या हमारे मशीन लर्निंग के मॉडल के सेफ्टी मेजर सही है या नहीं है। देन जब हमने देख लिया कि ठीक है हमारा सेल्फ ड्राइविंग कार का जो सिस्टम है, मशीन लर्निंग मॉडल है, वो कम्प्लीटली सही काम कर रहा है, तो तब हम क्या कर देंगे, मॉडल को डिप्लॉय कर देंगे हमारी कार के अंदर। एंड देन अगेन कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट हमें करती रहनी है ताकि हमारा मॉडल जो है अच्छे से काम करे और ह्यूमन की लाइफ को कोई भी खतरा ना हो। तो ये था हमारा कम्प्लीटली फोर्थ यूनिट, जिसके अंदर हमने नेटवर्क्स के बारे में समझा। स्पेसिफिकली दो टाइप की हमने लर्निंग एल्गोरिदम्स यूज की, पहली आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, उसकी फंक्शनैलिटी समझी, एंड देन इस वीडियो के अंदर जो है हमने CNN यानी कि कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क समझा। और एक सब डोमेन की अगर मैं बात करूं, पूरे डोमेन की बात करूं, तो एक किस डोमेन के अंदर आता है, ये आता है हमारा डीप लर्निंग डोमेन के अंदर, जिसके अंदर हमने टाइप ऑफ लेयर समझी कि किस तरीके से डीप लर्निंग लेयर्स जो है काम करती है, 1D 2D CNN नेटवर्क को समझा, हमारा CNN या फिर डीप लर्निंग का नेटवर्क किस तरीके से ट्रेन होता है उसको समझा, एंड देन फाइनली कुछ केस स्टडीज हमने डिस्कस की ताकि आपको कम्प्लीटली समझ में आ जाए कि किस तरीके से हमारी रियल लाइफ में एप्लीकेशंस डीप लर्निंग की यूज होती है। तो अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम हमारी डिस्कस करेंगे मशीन लर्निंग टेक्निक्स की 5th यूनिट। थैंक यू।